6 नवंबर 2023 इस डेट को दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्रिकेट में काले दिन के नाम पे ये डेट जाना जाएगा। इस डेट को बांग्लादेश ने ऐसी हरकत की है जिसको सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तो बात यूं है कि 6 नवंबर 2023 को खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मुकाबला जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में था। तो बात कुछ यूं है कि 25वां ओवर करने के लिए आते हैं शकीब अल हसन। इससे पहले मैच में सब कुछ सही चला था लेकिन इस ओवर से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो 25वां ओवर लेकर आते हैं, पहली गेंद पे समारा विक्रमा चौका लगाते हैं, दूसरी गेंद पे समारा विक्रमा आउट हो जाते हैं। इनको आउट होने के बाद आते हैं एंजेलो मैथ्यूज। क्रीज पे खड़े होने के बाद 1:52:53 के आसपास ये क्रीज पे खड़े होते हैं, तब इनको ये पता चलता है कि इनके हेलमेट टूटी हुई है, उसका स्ट्रिप निकला हुआ है पीछे वाला। तो ये डगआउट से एक प्लेयर को बुलाते हैं, श्रीलंका के प्लेयर को। वो आता है ग्राउंड पे और इनके हेलमेट को ठीक करने लगता है। इतने में करीब 2 मिनट से ज्यादा समय हो जाता है, यानी कि लगभग 3 मिनट के आसपास हो जाता है समय। तो शकीब अल हसन और पूरी टीम जो है वो अपील करती है टाइम्ड आउट को लेके, यानी कि उनकी अपील ये होती है कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया जाए क्योंकि वो 2 मिनट से ज्यादा हो गया है समय उनको, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं आए हैं जबकि ग्राउंड पर वो पहले से मौजूद थे। अंपायर ने भी देखा होगा उनको, लेकिन देखने के बाद भी अंपायर ने उनको टाइम्ड आउट दे दिया। सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि टाइम्ड आउट क्या होता है। तो क्रिकेट के नियम में एक नियम ये भी होता है कि जब भी कोई प्लेयर आउट होता है तो अगले प्लेयर को 2 मिनट के अंदर आके स्टांस लेना होता है, और वही एंजेलो मैथ्यूज से गलती ये हुई। तो इनको अंपायर को बताना चाहिए था कि मुझे 2 मिनट का और समय चाहिए क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि नियम के अनुसार वो ग्राउंड पे जब आए थे तब सब कुछ सही था। ग्राउंड पे आने के बाद उनके हेलमेट में दिक्कत आई थी, तो अगर अंपायर को वो बता देते कि 2 मिनट का मुझे समय लगेगा तब अंपायर शायद उनको नट आउट देते, यानी कि आउट न करा दिए होते। तो फिलहाल जब अंपायर ने आउट दिया तो एंजेलो मैथ्यूज जाके बांग्लादेश के प्लेयरों को समझाने लगे कि भाई देखो मेरा हेलमेट का ये टूट गया था, इस वजह से सारी चीजें हैं। लेकिन शकीब अल हसन का जो एटीट्यूड था, वो चाहते तो अपील को वापस ले लेते लेकिन उन्होंने अपील को वापस नहीं दिया और अंततः एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट होके पवेलियन वापस जाना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, जब मैच खत्म होते हैं दोनों टीम के प्लेयर हाथ मिला के तभी वापस जाते हैं, लेकिन इस मैच में देखने को ये मिला कि मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के किसी भी प्लेयर ने बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि बांग्लादेश टीम का काम ही ऐसा था। फिलहाल काम तो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, इंडिया के साथ भी बांग्लादेश ने कभी 2011 के आसपास में ये काम किया था। आप यहां देख सकते हैं कि कितनी गंदी से एक फोटो इन्होंने तैयार की थी, पूरे बांग्लादेश में इन्होंने इंडियन प्लेयर के सर हाथ में पकड़ के पोस्टर लगवाए हुए थे। ये न्यूज उस समय बहुत तेज वायरल हुई थी। फिलहाल आपकी क्या राय है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्रति, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।